डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउ टू डू सॉर्टिंग इन नमपाई एरेज। तो हम वन डिमेंशन एरे में, टू डिमेंशन एरे में सॉर्टिंग किस तरीके से करते हैं, क्या सॉर्टिंग के एस्पेक्ट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपको विद एग्जीक्यूशन यहाँ पे बताऊंगा। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। जैसे पढ़ाई बहुत जरूरी है, हार्डवर्क बहुत जरूरी है, ऐसे ही सब्सक्राइबर्स भी बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा नमपाई लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में ऑलरेडी हमारे पास जो ये डिफाइंड है सॉर्ट नाम का फंक्शन। अब इसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, एक तो हो गया हमारा एनपी डॉट सॉर्ट। अभी एनपी का फंडा तो आपको ऑलरेडी पता ही है। जैसे मैं क्या करता हूं, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, मतलब हमने इंपोर्ट किया नमपाई लाइब्रेरी को और उसका एक अलाइज क्रिएट कर दिया, एक छोटा नाम दे दिया एनपी। तो मैं उसी को यूज कर रहा हूं एनपी, मतलब एक तरह से नमपाई से ही यूज कर रहा हूं कि नमपाई डॉट सॉर्ट। तो ये सॉर्ट क्या करता है, सिंपली जो एरे आप दोगे उसको कॉपी, मतलब उसकी जो कॉपी है उसको सॉर्ट करके आपको दिखा देगा। दूसरा एनपी डॉट एआरजी सॉर्ट, एआरजी मतलब आर्गुमेंट। यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे जो इंडिसेस है क्या कह रहा है, विल रिटर्न द इंडेक्स, जो उनकी इंडेक्स वैल्यू है एरे की, दैट वुड सॉर्ट एन एरे, मतलब जो आपका एरे है उसको हम सॉर्ट करेंगे तो जो इंडेक्स की वैल्यूज है, सिर्फ इंडेक्स की वैल्यूज जो है वो प्रिंट करके दिखा देगा। और यहां पे एनडी एरे डॉट सॉर्ट, इसका मतलब क्या है, जो एरे आपने लिया है उस एरे का नाम लिख दो, डॉट सॉर्ट करो, तो आपका इन प्लेस मतलब उसी एरे में ही सॉर्ट करके दिखा देगा। एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेगा, उसी की कॉपी जो है वो जनरेट नहीं करेगा, उसी एरे के अंदर ही सॉर्ट करके दिखा देगा। अभी आपको एग्जांपल से तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, ये सबसे पहले मैं यहां पे वन डायमेंशन एरे में कर रहा हूं। तो ये देखो, हमारे पास किया कि हमने इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, और ये मैंने एक एक्स नाम का यहां पे वन डायमेंशनल एरे क्रिएट की है एनपी डॉट एरे, और यहां पे कुछ वैल्यूज ले ली, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, एनपी डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, पहला एनपी डॉट सॉर्ट, और एक्स जो एरे मैंने क्रिएट किया था वो पास कर दिया, मतलब उसकी जो एक कॉपी सॉर्ट कर दी। अब इसको क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करके उसको वाई में डाल दिया और प्रिंट कर दिया यहां पे वाई को, ठीक है। तो यहां पे एक्स को नहीं, यहां पे वाई को प्रिंट करेंगे, और जैसे ही वाई को प्रिंट किया, ये देखो जी 2, 3, 6, 7, 9, इसको क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। और बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करता है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में ही सॉर्ट करता है। हाँ, यहां पे अगर आप x को एग्जीक्यूट करते हो, x को अगर आप लिख के एग्जीक्यूट करते हो, तो ये देख लो जी एज इट इज यहां पे डेटा आएगा, जो डेटा यहां था वही डेटा आएगा। क्यों आया, क्योंकि आपने एक्स के अंदर कोई चेंज नहीं किया, एक्स आपका एज इट इज ही है, उसको सॉर्ट करके आपने y में डाला और उस y को प्रिंट किया है, तब जो है वो आपका उसकी कॉपी जो है वो क्या होगी, प्रिंट होगी। ये सिंपल सा फंडा है यहां पे सॉर्टिंग का। अब इसमें एक चीज आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि ठीक है, बाय डिफॉल्ट कैसे करता है ये, असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन अगर मुझे डिसेंडिंग में शो करवाना है तो कैसे करेंगे, डिसेंडिंग में भी कई बार शो करना पड़ता है। तो डिसेंडिंग में करने के लिए यहां पर सिंपल सा फंडा है कि ये देखो, आपने सॉर्ट किया x को, तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, मतलब 2, 3, 6, 7, 9 कर दिया। अब आप उसी को रिवर्स में प्रिंट करवा दो, थोड़ा सा लॉजिक है, उसी को रिवर्स में प्रिंट करा दो, तो रिवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा। तो सॉर्ट करके उसका रिवर्स कर दो तो क्या हो गया, डिसेंडिंग हो गया। और मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है कि हम कैसे जो है वो रिवर्स करते हैं, ये लो जी ये तरीका है रिवर्स करने का। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया तो यहां पर देख लो जी प्रिंट क्या कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक्चुअल में असेंडिंग ही है, उसको मैंने रिवर्स में प्रिंट करा दिया। तो ये बड़ा अच्छा लॉजिक है, कई बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट यहां पे क्या आ गया, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, वही सिंपल फंड है, वही मैंने एक एरे लिया, वही सेम एरे जो ऊपर लिया था, यहां पे एनपी डॉट एआरजी, जो चेंज क्या किया, एनपी डॉट एआरजी यहां पे कर दिया। अब ये एआरजी जब मैं करता हूं तो ये देख लो, पहले इसकी आउटपुट देखो जी क्या आई। अब ये आउटपुट अगर आप इसकी देखोगे तो ये 12403। अब स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, सर 124 डेटा तो ये था, ये 124 कहां से पैदा हो गया भैया, डेटा तो मेरा ये था। कोई बात नहीं जी, यहां पे आपको मैंने अभी क्या बताया था कि ये एक्चुअल में क्या करता है, ये एक्चुअल में क्रिएट करता है इसका इंडेक्स। ये देख लो जी क्या कर रहे हैं हम यहां पे, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं यहां पे क्या कर रहे हैं। ये मेरा क्या है, इंडेक्स नंबर 0, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 1। ऑलरेडी पता है हम इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं एरे की, तो ये 2, 3, 4 ये इंडेक्स हो गया। अब देखो जी एआरजी सॉर्ट का मतलब क्या है, यहां पे इसने प्रिंट क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4,
ये देखो सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ है, टू, किस नंबर पे खड़ा है, वन पे खड़ा है, तो ये दो। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा, थ्री, सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग नेक्स्ट, ये देखो ना आप सॉर्ट करके देख लो इसको, टू थ्री सिक्स सेवन नाइन, तो देख लो जी टू कहां पे था, वन नंबर इंडेक्स पे, थ्री कहां पे था, टू नंबर इंडेक्स पे, उसके बाद छह आना चाहिए, छह कहां पे था, फोर नंबर पे, सेवन कहां पे था, जीरो पे, और ये कहां पे था आपका, नाइन थ्री पे, तो वन टू फोर जीरो थ्री होना चाहिए, तो देख लो जी वन टू फोर जीरो थ्री, बस ये सिंपल सा फंडा है। तो ये जो है वो आप नोट कर लेना, आपको जो है वो कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे कि लेट्स सपोज मेरे को यहां पे करना है इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब क्या है, इन प्लेस का सिंपल सा फंड है, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, एनपी डॉट एरे, वही मैंने एरे लिया, यहां पे मैंने क्या किया एक्स डॉट सॉर्ट, मैंने वैल्यू को वाई में नहीं डाला, मैंने एक्स डॉट सॉर्ट ही कर दिया। तो जैसे ही मैंने एरे का सॉर्ट यहां पे डायरेक्ट किया, प्रिंट कर दिया एक्स को, तो इसने नई कॉपी जनरेट नहीं की, इसने उसी एक्स में ही चेंज कर दिया। अब अगर आप एक्स जो ओरिजिनल एरे था उसी को ही इसने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, तो नया मेमोरी नहीं किया, उसी को सॉर्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड इन प्लेस सॉर्टिंग, उसी जगह पे सॉर्ट करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द वन डायमेंशनल एरे की सॉर्टिंग कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 2D के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।